हेलो दोस्तों, अर्चना राठौर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं रिपब्लिक डे स्पेशल रेसिपी तिरंगा पुलाव। इसके लिए हम कोई भी फूड कलर यूज़ नहीं करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने पालक का पेस्ट बना के लिया है, आधी कटोरी ये पालक का पेस्ट है। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने टमाटर का पेस्ट, टमाटर प्यूरी ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्ची है, थोड़ा सा ऑयल है और लाल मिर्च है। इसी कलर का हम यूज़ करके हम बनाने वाले हैं तिरंगा पुलाव। और यहाँ पे लिया है पका हुआ राइस, पका के लिया है मैंने राइस को नमक डाल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तिरंगा पुलाव बनाना। तो सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल डाल देंगे 1 चम्मच, और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ऑयल में थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अदरक और लहसुन को मैंने दरदरा कूट के लिया था। और उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च थोड़ा सा मिक्स करके तुरंत ही हम डालेंगे टमाटर प्यूरी, तो डाल दिया है। और लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे 2 या 3 मिनट तक। बहुत ही अच्छे से पकाना है टमाटर को। टमाटर अच्छे से पकने के बाद हम डालेंगे 1.5 कटोरी चावल, पके हुए चावल डाल देंगे। तो यहाँ पे डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करके लेंगे इसको। और मिक्स होने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। अब मैंने यहाँ पे पैन को थोड़ा सा धो के उसमें फिर से 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है, और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे अदरक और लहसुन को मैंने दरदरा कूट लिया था, तो डाल देंगे और मिक्स करेंगे। और अब हम डालेंगे हरी मिर्च को। हरी मिर्च को भी मैंने दरदरा कूट के लिया है, और ऑयल में मिक्स करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे पालक का पेस्ट, और इसको अच्छे से ऑयल में पका लेंगे। लगातार चलाते हुए पकाना है इसको, गैस को मीडियम रखना है। और यहाँ पे हमारा पालक का जो पेस्ट है ये अच्छे से पक चुका है। 2-3 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। और उसके बाद हम डालेंगे 1.5 कटोरी चावल, पके हुए चावल डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स करके लेंगे इसको भी। मिक्स होने के बाद हम इसको भी एक प्लेट में निकाल देंगे। तैयार हो गया ग्रीन कलर। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बाउल लिया है और उसको अंदर से घी लगा दिया है। घी लगाने के बाद हम डालेंगे सबसे पहले ऑरेंज कलर का राइस जो हमने बना के रखा है, और उसको इस तरीके से स्पैचुला की हेल्प से ऊपर से प्रेस करेंगे। आप हाथों की हेल्प से भी कर सकते हो इस तरीके से। हमने यहाँ पे कोई भी फूड कलर यूज नहीं किया है, नेचुरल कलर से, मतलब टमाटर का जो नेचुरल कलर है होता है उसी से हमने ऑरेंज कलर बना लिया है। उसके बाद हम डालेंगे व्हाइट वाला चावल। और इसको भी उसी तरीके से प्रेस करेंगे ऊपर से। अगर आप इस तरीके से पुलाव बना के बच्चों को दोगे तो बहुत ही पसंद से बच्चे चावल को खाएंगे, पुलाव को खाएंगे। तो ज़रूर कोशिश कीजिए इस तरीके की रेसिपी। अब हम डालेंगे ग्रीन कलर को। ये व्हाइट वाला चावल फिट बैठ चुका है, उसके बाद हम डालेंगे ग्रीन कलर, और इसको भी उसी तरीके से स्पैचुला की हेल्प से प्रेस करेंगे ऊपर से। उसके बाद हम यहाँ पे एक बड़ी वाली प्लेट लेंगे और उसको इस तरीके से बाउल पे रख देंगे, और इस तरीके से हम इसको पलटी कर देंगे, तो बहुत ही आसानी से ये बाउल निकल जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से निकालेंगे और आप देख सकते हो ये कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही आसान है, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। बच्चे इस तरीके का पुलाव देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं, तो ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, रेसिपी अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना।